तरफ बदली हुई है उसी के साथ देखा जा रहा है लगातार। जो अगर प्रदेश कार्यालय की बात करते हैं सुबह से जो है म्यूचुअल इंडिया की टीम जो है वहाँ पर मौजूद है, लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे महिलाएं हो या फिर कार्यकर्ता हो लगातार उनमें जोश देखा जा रहा है। एक तरीके से फागुन का जो महीना चल रहा है होली के पर्व में तो जश्न मनाया ही जाता था, होली के पर्व पर कह सकते हैं कि गुलाल खिलाया जाता था, लेकिन शुभम आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है। शुभम मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। शुभम आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य की सीट फंसी हुई है और पल्लवी पटेल इस वक्त आगे चल रही हैं। 22वें राउंड में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं बताया जा रहा है, और वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं जीत के लिए। और अजय कुमार लल्लू, एक बार आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू चुनाव हारे करीब 60,000 वोटों से। अजय कुमार लल्लू कौन? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद चुनाव हार गए अपनी सीट से। अजय कुमार लल्लू चुनाव हार चुके हैं। और करहल से खबर आ रही है अखिलेश यादव चुनाव में आगे चल रहे हैं, एसपी बघेल पीछे चल रहे हैं, असीम कुमार चुनाव जीत चुके हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बरेली से जो है विजय जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे विजय के पास। विजय मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हमारे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं वो सब भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो खुशी का माहौल है और जो एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ी उपलब्धि, अगर दातागंज सीट की बात की जाए तो दातागंज सीट पर जो है राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने जो है परचम लहराया है। और सदन अगर हम ये तस्वीरें विजय को फुल फ्रेम दिखा पाए, विजय एक मिनट मैं फुल फ्रेम करवा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए प्लीज, फुल फ्रेम करिएगा, तस्वीरें रखिए विजय अपनी बात। बम बम बोल रहा है काशी मथुरा, अब है बारी मथुरा की, अयोध्या का हो गया कल्याण। विजय बात करिए आप इनसे, विजय बात करिए आप इनसे। जी हमारे साथ, कार्यकर्ता हैं, जानना चाहूंगा कि कोई खुशी जो जिस तरह से निकल के आ रही है, क्या लगता है दातागंज विधानसभा पे? दातागंज विधानसभा का जैसे विकास आज तक हुआ इस पंचवर्षीय योजना में हुआ, इससे चार गुना ज्यादा दातागंज में और विकास होगा। क्या कहेंगे दातागंज पे, राजीव सिंह की खुशी है, जीत की खुशी है, या बुलडोजर बाबा का जादू चला है? या विकास की बात है, दूसरा बुलडोजर बाबा का भी काम चल रहा है, और बिना बुलडोजर के उत्तर प्रदेश में माफियाओं को भगाया नहीं जा सकता, इसलिए बुलडोजर तेजी से चले, ये मेरा अनुरोध माननीय योगी और मोदी जी से है। जय जय श्री राम। अगर बात दातागंज की जाए तो यहाँ पर जो जादू है वो बुलडोजर बाबा का भी कुछ रहा है, और राजीव सिंह यहाँ पे बब्बू जो निवर्तमान विधायक थे उनका भी जो है एक तरह से फिर से देखा जाए तो दातागंज विधानसभा पे परचम लहराया है। हमारे साथ और भी जो कुछ या इनके समर्थक हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा क्या जो खुशी का जो पल है वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी है, और हमारे माननीय विधायक जी ने जो विकास किया है इतना विकास आज तक नहीं हुआ, और प्रदेश के टॉप 10 विधायकों में से विकास के नाम पर माननीय विधायक जी हमारे राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया रहे हैं, और उनने बहुत विकास किया, उस विकास की जीत हुई है, बाबा योगी जी की जीत हुई है। आप बोलो, आप पहले बोलो। जी सर बिल्कुल। विजय, विजय अगर मैं बरेली मंडल का जिक्र करूं तो वहां से क्या कुछ खबर आ रही है आपके पास, कौन कहां कितना हावी हुआ है, या सब जगह बुलडोजर बाबा ही चले? अगर मंडल बरेली की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर बुलडोजर बाबा का जो जादू चला है वो एक जो ऐतिहासिक यहां पर जीत कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है बरेली मंडल में वो एक जो है अद्भुत ही यहाँ पर जीत का दृश्य देखने को मिला है। और बदायूं की बात करें तो यहाँ पर जो है एक तरह से जिस तरह से 6 विधानसभा सीटों में जो है 5 विधानसभा इस समय जो पिछली बार जीती थी, इस बार जो है वो कुछ अलग ही नजारा देखने को बदायूं जनपद में मिलेगा। हमारे साथ कुछ और समर्थक हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है जो जीत का जश्न है उसे कैसे जश्न जो है हिलोरे मार रहा है। यूपी में सिर्फ बाबा और ये सब जो है युवा हमारे जितने भी हैं
वो योगी जी के साथ हमारे माननीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने यहाँ विकास के इतने कार्य किए हैं, जनता गदगद है और गदगद है और आगे भी विकास करेंगे, ये उनकी जो नीति है उसी हिसाब से चलेंगे। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो जीत यहाँ पर, क्या विकास की जीत हुई है या फिर बुलडोजर बाबा की? यहाँ पर दोनों ही लोगों की जीत हुई है। हमारे लोकल प्रत्याशी श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने भाजपा की रीति नीति में रमते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से भाजपा की सोच को सिद्ध करके दिखाया है। बाबा में विश्वास हुआ है, यूपी में कावा, यूपी में बाबा। हमने भारतीय जनता, अगर बात यूपी की करें तो यहां पर जो है बाबा का जो जादू है। जी सर विजय, आप एक बार फिर से इनसे पूछिए कि वोट किसको दिया, योगी को या फिर मोदी को? वोट किसको दिया इन्होंने? अगर बात यूपी की जाए तो यहाँ पर वोट किसको दिया है, योगी को या फिर? यहाँ पर हिंदुत्व के लिए वोट दिया गया है और माननीय बाबा के लिए हम लोगों ने, और राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास लेकर चाहे ऐसी बरक के उन्होंने अपनाने का काम किया है और बहुत मन से उन्होंने दिल से लगाने का काम किया है और कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से खिला है दातागंज विधानसभा में, ये बड़े ऐतिहासिक जीत हो रही है और हम सब लोग इतने भावुक तरीके से हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बहुमत में आ रही है और बाबा हमारे पुनः बिल्डोजर चलाएंगे। विजय से पूछिए कि क्या सिर्फ हिंदुत्व के लिए इन्होंने वोट किया है? क्या हिंदुत्व ही एक मुद्दा था वहां पर जिसके लिए वोट किया गया? विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए जी 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 बिल्कुल विजय जी सर, अगर तिलक जी अगर बात करें यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे की, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बुलडोजर बाबा के जादू के साथ साथ हिंदुत्व भी जो है रहा है। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ भाजपा जो है यहाँ पर समर्थक हैं, मैं जानना चाहूंगा, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी है, क्या इस बार जो है जो बुलडोजर बाबा का जादू चला है या विकास के ऊपर? विकास और बुलडोजर बाबा दोनों का जादू चला है, विकास का भी चला है और योगी और मोदी का नाम भी चला है, उनकी वजह से सारे उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई है। इसके अलावा जो पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली रही उसका भी असर जो है वो देखने को मिला है। अच्छा, जो वोट में देखा जाए कि वोटों के लिए जो मुख्य तरह से जो एक विकास या फिर जो मुद्दा हिंदुत्व का रहा, तो उसमें से कौन सा मुद्दा जो है ज्यादा चला है? देखिए, विकास का मुद्दा और गुंडागर्दी रोकने का मुद्दा, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा, ये तीन मुद्दे ज्यादा अच्छे रहे। बजाय हिंदू कार्ड तो एक आम हवा बन जाती है, आम चर्चा में आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास का, भ्रष्टाचार विरोधी, गुंडा विरोधी का, और योगी जी और मोदी जी की छवि रही। जी तिलक जी, विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि आखिरकार किस तरह से बरेली में एक तरफा हवा बीजेपी की देखी गई। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है विजय, और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएं, जो आज की सबसे दिलचस्प तस्वीरों में से एक तस्वीर है, जहां पर बुलडोजर पर सवार होकर बीजेपी के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर देखे गए, और ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर नारे लगाए गए कि जो राम को लाया है वही राम के लिए आया है, 2022 में जीत 24 की गारंटी है, साइकिल पंचर और चला बुलडोजर। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके थे कि अब जीत सुनिश्चित है, और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से छाते हुए दिखाई दे रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके मायने क्या है, संकेत क्या है, संदेश क्या है? मैं हेमंत आपके पास रुक करूंगा। विजय ने बहुत शानदार अंदाज से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल और खास तौर पर मैं गोरखपुर मंडल का जिक्र करूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुभाष जुड़ गए मेरे साथ। सुभाष, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुभाष मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष से कनेक्ट करता हूं। सुभाष मेरा ऑडियो आ रहा है आपको?